जबलपुर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति संघ के कर्मचारी अधिकारी अपने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए लंबे वक्त से आवाज बुलंद कर रहे हैं। अजाक संघ द्वारा समय समय पर अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किए जा रहे हैं। अजाक संघ द्वारा प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसके समर्थन में जबलपुर में भी आजाद संघ के नेतृत्व में अधिकारियों कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया और शीघ्र से शीघ्र मांगे पूरी करने के लिए आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन बड़ी संख्या में आजाद संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स का एक साथ आज पूरे प्रदेश में सामूहिक धरना प्रदर्शन का आज हमारा कार्यक्रम है और इसमें हमारी प्रमुखता मांग है कि उच्चतम न्यायालय में पदस्थ अधिवक्ता माननीय मनोज गोरकेला के द्वारा जो बिंदु या ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे जस का तस लागू किया जाए एवं आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रथा को बंद किया जाए। अगर उसमें कहीं भर्ती हो रही है तो हमारे को उसमें आरक्षण दिया जाए। तीसरी हमारी प्रमुखता मांग है कि जो बैकलॉग के हमारे पद जो रिक्त पड़े हुए हैं इसे तत्काल लागू किए जाए। योगेश चौधरी, जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश अजाक्स, जिला जबलपुर। ठीक है जी सर, बताइए। आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ अजाक्स के तत्वावधान में और प्रांतीय कार्यालय के निर्देश अनुसार एक दिवसीय धरना हमने आरक्षण अधिनियम को लेकर यहाँ पे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं कि आरक्षण राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर्मचारियों को दे। अब राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में ये तय कर दिया कि सपाक्स और अजाक्स मिलकर फैसला करें। सपाक्स एक राजनीतिक संगठन है और उसको बुला के और हम लोगों से ये बात तय करवाएंगे कि भाई इनको आरक्षण दिया जाए या नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि सपाक्स कभी नहीं चाहेगा कि हमको पदोन्नति में आरक्षण मिले, क्योंकि वो राजनीतिक संगठन है, चुनाव लड़ चुका है। हम तीन मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। पहला है पदोन्नति में आरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री मनोज कोरेला जी के द्वारा जो पदोन्नति नियम बनाए गए हैं उसे सरकार स्वीकार करे। आउटसोर्सिंग से जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें आरक्षण लागू किया जाए। एससी एसटी के पूरे मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं बैकलॉग के, वो बैकलॉग भरा जाए। अगर हमारी बातें इतनी आसान से मानी नहीं गई तो हम 12 जून 16 का इतिहास मध्य प्रदेश शासन के सामने भोपाल में एकत्रित करेंगे, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी और हमने एक दूसरी धरना दिया था और सरकार को आगे आना पड़ा था और सरकार ने आगे ये बोला था कि कोई माइकलाल आरक्षण पदोन्नति समाप्त नहीं कर सकता। तो जैसा जैसा निर्देश हमको प्रांत का मिलेगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम आरक्षण पदोन्नति पर तो लेके रहेंगे। अजय सोनकर, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश अजाक्स। जबलपुर से आशीष पाठक की रिपोर्ट।